तो चलिए शुरुआत करते हैं और सवाल वही कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज का खास चुनावी शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री। वैसे तो मैंने छत्तीसगढ़ में भी किया कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, लेकिन ये जो नाम है ना कौन बनेगा मुख्यमंत्री, वो सबसे ज्यादा मौजूद इसी मध्य प्रदेश में है। तो स्वागत कीजिए मंदसौर के लोगों का और मंदसौर की इस आवाम का और ये तमाम जो लोग बैठे हैं ऊर्जा से एनर्जी से भरे हुए, इनका कौन बनेगा मुख्यमंत्री में। थोड़ी भूमिका बांध देता हूं कौन बनेगा मुख्यमंत्री में, बार बार क्यों कह रहा हूं। वैसे तो मेरे शो का नाम ही है कौन बनेगा मुख्यमंत्री, लेकिन मध्य प्रदेश में बहुत ऊहापोह है, बहुत पशोपेश है और न जाने कितने मुख्यमंत्री के चेहरे आ गए हैं मैदान में, इसलिए बार बार कहना पड़ रहा है कौन बनेगा मुख्यमंत्री। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को देख देख कर क्या दोबारा तिबारा या फिर अगली बार फिर से लोग देखना चाहते हैं, यह भी सवाल है। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का नाम और शिवराज सिंह चौहान का बैनर पोस्टर शुरुआत में कम दिखाई दे रहा था, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि बिना शिवराज सिंह चौहान के कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आज शिवराज सिंह चौहान के तूफान दौरे की भी बात होगी और बैनर पोस्टर में बड़े बड़े दिखने लगे हैं, इस पर भी बात होगी। और जब वीडियो आने लगे तो नरेंद्र सिंह तोमर भी ये कहने लगे हैं कि मुख्यमंत्री तो शिवराज सिंह चौहान है, इस पर आप सवाल क्यों करते हैं। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री में मंदसौर में आज इन्हीं सब मुद्दों पर बात होगी, लेकिन पहले आप जान लीजिए, समझ लीजिए कि एक दिन में 13 चुनावी सभाएं, धनतेरस में सभाएं, दिवाली में सभाएं, तो क्या इन सभाओं से शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से मध्य प्रदेश में बीजेपी की नैया पार करेंगे या फिर यूं ही कांग्रेस आगे बढ़ रही है, जैसा कि कोई वजह पूछो तो लगता है कि कोई वजह तो नहीं है, बीजेपी 18 साल से है इसलिए हम जीत जाएंगे। तो इन सब सवालों के जवाब को तलाशेंगे, लेकिन पहले कौन से नेता क्या क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं कि हम और हमारी पार्टी के ही बनेंगे मुख्यमंत्री, एक रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद मंदसौर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन पार्टी को पांचवी बार सत्ता में लाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरी ताकत लगा दी है। तूफानी रफ्तार से शिवराज सिंह चौहान राज्य में प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। आचार संहिता लगने के बाद से सीएम शिवराज 125 से ज्यादा चुनावी रैली कर चुके हैं। एक दिन में वो लगभग 10 चुनावी रैलियां कर रहे हैं। यहां तक कि दिवाली के दिन भी शिवराज ने 4 रैलियों को संबोधित किया। आज यानी सोमवार को शिवराज 13 चुनावी सभाएं करके रिकॉर्ड बनाएंगे। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक शिवराज का इरादा 180 से ज्यादा सीटों को कवर करने का है। इसी प्रचार के दम पर शिवराज का दावा है कि 2023 में मध्य प्रदेश के चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। मैं कह सकता हूं कि राजनीतिक विश्लेषक रिजल्ट के बाद चौंक जाएंगे कि ये क्या हुआ। सचमुच में लोगों का भरपूर प्यार और आशीर्वाद हमको मिलेगा, हम बहुत अच्छा बहुमत प्राप्त करेंगे। और जो मैंने एक बात कही है कि लोग चौंकेंगे कि इतनी सीट कैसे है। कुछ हफ्ते पहले तक कांग्रेस दावा करती थी कि शिवराज को अलग थलग कर दिया गया है, लेकिन प्रचार का आखिरी दौर आते आते शिवराज पार्टी को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। यहां तक कि ओबीसी के मुद्दे पर भी वो कांग्रेस को घेर रहे हैं। राहुल गांधी जी आज फिर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। वैसे भी जब वो आते हैं तो इधर उधर की बात करते हैं। वो ये बताएं, बरसों तक उनकी पार्टी का शासन रहा मध्य प्रदेश में, कितने ओबीसी प्रधानमंत्री बने और मध्य प्रदेश में किस ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया। शिवराज सिंह जी बेरोजगार नहीं होंगे, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे पर बेरोजगार नहीं होंगे। बहुत अच्छे एक्टर हैं, कलाकार हैं, वो बंबई जाएंगे एक्टिंग करेंगे और मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगे।
ये शिवराज सिंह जी का अलग इसके बाद का काम है। भारत माता की जय। भारत माता की। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।